잘라면 책이네 많을 수 있는 거야. देव दीपावली का पर्व वाराणसी के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि बनारस के जो 84 घाटों की श्रृंखला है वह दियों से जगमगाती है। लेकिन आज हम उन दियों में लगने वाली बाती, जिससे ये दिए रोशन होते हैं, जिससे घाट रोशन होते हैं, उन दियों की कहानी, उन बत्तियों की कहानी आप तक पहुँचाएंगे। और ये बत्तियाँ आप देख भी सकते हैं, ये बूढ़ी माताएँ हैं, वृद्ध माताएँ हैं, जो बनारस के नेपाली वृद्धाश्रम में रहती हैं और बीते कई सालों से ये इसी तरह ये बाती बना रही हैं और बाती बना के अपना जीवन यापन करती हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा तारा देवी नेपाल हो। तारा देवी जी, आप बाती कितने सालों से बना रही हैं? बुद्धि ने मो कितने साल से निकल साल बॉय तो ये बाती आप लोग कहाँ देती हैं? आप लोग की बाती लगती है कहीं? ये तो घर में बेचती है, घर में आउदे कि नहीं। माता जी, आपका नाम क्या है? आसाम से। आसाम से कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा ठगामा है। ठगामा जी, आप बाती कितने साल से बना रही हैं? बनाऊंगी शरीर ठीक होना से, तो आजकल तो ठीक नहीं है शरीर, आँख एकदम आँख तो बिगड़ गया है मेरा। तो आप लोग देव दीपावली में आप लोग की बाती जाती है? जलाऊंगी, गंगा जी जाना नहीं सकूंगी, से कमरा से जलाऊंगी। यहाँ पे माता जी लोग कितने साल से काम कर रही हैं? यहाँ माता जी कब से, लगभग 35-30 साल से है। तो ये लोग जो बाती बनाती हैं, ये बाती कहाँ कहाँ जाती है? ये बाती बाजार में जाती है, ये घर में जाती है, जब यहाँ बड़ा बड़ा पर्व होता है ना, तब सब पर्व में जाती है। जैसे देव दीपावली है कल, तो इनकी बाती वहाँ जलेगी घाटों पर? हाँ, बहुत संकोच न मान के जलेगी। इन वहाँ जा ना सकती है, ये वृद्धा है ना, हिन्न नहीं सकती है, तो नीचे जा नहीं सकती है, यहाँ बना के ये पठाती बाजार में और घाट में जलेगी। क्योंकि बनारस का महापर्व जो देव दीपावली है, उनमें इनकी मौजूदगी रहे, इनकी बाती से घाट जगमग हों और देव दीपावली का पर्व निश्चित तौर पर और बुलंदियों पर पहुँचे। गोपाल मिश्र, ईटीवी वाराणसी।